अपनी ही पत्नी की गोली मारकर कर दी थी हत्या। जी हां, मामला मथुरा के थाना फरह क्षेत्र के नगला मघेल जीवना चौकी ओल की है, जिसमें त्रिवेणी देवी नामक महिला हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर थाना फरह में धारा 147, 148, 149, 307, 302 और आईपीसी की धारा 34 में पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना जब पुलिस ने के द्वारा की गई तो पता चला कि प्रवीण देवी नामक महिला की हत्या उसी के पति के द्वारा की गई थी। मामले की पड़ताल में पता चला कि जमीनी रंजीत से अपनी जमीन वापस लेने के लिए और विवाद एवं रंजीत सी होने के कारण नामित अभियुक्त गणों को फंसाने के लिए महिला के पति, जिनका नाम निहाल सिंह पुत्र हरप्रसाद है, उसी ने अपनी पत्नी को योजनाबद्ध तरीके से धान के खेत में ले जाकर गोली मार दी, जिसमें कि मौके पर ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। जिस तमंचे से उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, उस तमंचे को भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। सर बताएं, फरह पुलिस को क्या? ये फरह थाने पे 20 तारीख को एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक महिला त्रिवेणी देव इनकी गोली मार के हत्या की गई थी। महिला की उम्र लगभग 55 वर्ष थी और इस संदर्भ में नामजद अभियोग 302 का उनके पति द्वारा दर्ज कराया गया था और उनका ये आरोप था कि जमीनी विवाद जिन लोगों से चल रहा है उनके द्वारा इस इनके पत्नी के साथ हत्या की गई है। जब हम लोगों ने विवेचना की और अन्वेषण करने के बाद तथ्यों को और समाहित किया तो ये चीज़ प्रकाश में आई कि जिन लोगों को नामजद किया है वो यहाँ थे ही नहीं। इसके बाद और गहनता से विवेचना करने के बाद जो इनके पति थे, इनके ऊपर ही शक का दायरा बढ़ा। इनसे जब पूछताछ और की गई डिटेल्स के साथ तो इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया, इनके पति का नाम निहाल है, निहाल सिंह करके है, कि इन्होंने अपने पास ही कट्टे से अपनी पत्नी की हत्या उस दिन कर दी थी और जिन लोगों से ज़मीनी विवाद चल रहा था उनको नेम्ड कर दिया था ताकि ज़मीनी विवाद के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और जो है इनसे जो कट्टा था वो भी रिकवर कर लिया है। इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और विधिक कार्रवाई की जा रही है।